स्वर्ग सुमन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं फिर से आपसे एक बातचीत कर सकता हूँ और मैं आपके सामने बांटना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 26वें पद में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे परंतु अगर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या फायदा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। अजीजों, इस पद के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि हमारे जीवन का महत्व क्या है। यानी मैं जीवन में अगर हम अपने जीवन को जब देखते हैं, हम अपने जीवन को भौतिक वस्तुओं से तोलते हैं। हम सोचते हैं मेरे पास में अगर मेरे पड़ोसी के मुकाबले में चीज़ें ज़्यादा हैं तो मैं ज़्यादा आशीषित हूँ। मेरे पास में अगर ज़्यादा कोई भौतिक वस्तुएँ हैं तो मेरे पास परमेश्वर की आशीषें हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है आशीष बहुतायत के कारण नहीं होती है, आशीष संतुष्टि में आती है। जब हम संतुष्ट हैं, जो भी हमें परमेश्वर ने दिया है और उसको हम अपने जीवन का विधान मानते हैं, उसमें अगर हम संतुष्ट हैं, जो भी हमें मिला है अगर उसमें हमें तसल्ली है, अगर हमें सेटिस्फैक्शन है, अजो इससे बड़ी आशीष इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये जीवन की महत्वता है। जीवन की महत्वता इसलिए है प्रियो, क्योंकि भौतिक वस्तुएं आज हैं कल नहीं रहेंगी। भौतिक वस्तुएं हमें सदाकाल के लिए संतुष्टि नहीं दे सकती। भौतिक वस्तुएं हमें आवश्यक तो हैं पर इसके द्वारा जीवन चलायमान नहीं होता। एक समय ऐसा आता है जब हम इन वस्तुओं के रखते हुए भी हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। अर्थात परमेश्वर का वचन बताना चाहता है हमारे जीवन का जो महत्व है वो हमारा स्वयं का, हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन किस प्रकार से दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है, दूसरे लोग मेरे जीवन को किस प्रकार से देखते हैं और जब वो मेरे जीवन को देखते हैं क्या वो परमेश्वर की तसल्ली को मेरे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात मुझे भौतिक वस्तुएं नहीं दे सकती, आपको भी नहीं दे सकती। क्यों? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। आज मनुष्य इस भागा दौड़ी में लगा हुआ है कि मुझे एक गाड़ी है तो दो हो जाए, एक बंगला है तो दो हो जाए, मैं कहीं ना कहीं अपने फिक्स अमाउंट कर दूं कि मेरे को अच्छा रिटर्न मिले। सोच गलत नहीं है परंतु ये पर्याप्त नहीं है। इससे ज्यादा बढ़कर के हमारा प्राण है, हमारा जीवन है। जीवन अगर नहीं है तो हम ऐसी वस्तुओं को रख के करेंगे क्या? और अगर ये जीवन, हमारी आशाएं अगर समाप्त हो गई, अगर हमारी सांसें चली गई, तो परमेश्वर हमसे पूछता है तू बता अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये किसका होगा। इसका मतलब परमेश्वर पता है जो प्रियो क्या कहता है। परमेश्वर कहता है हमारा जीवन महत्वपूर्ण है और जब तक हमारी सांस है और आस है तो नेचुरल है परमेश्वर हमसे अपेक्षाएं करता है हम अपने जीवन को उसके डर और भय में चलाएं। भौतिक वस्तुएं सदाकाल के लिए नहीं है, एक समय ऐसा आएगा जब इनका सदुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन जब तक है, जब तक सांस है, हम परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। और हम जो भी चीजें हमें आवश्यक हैं इसके लिए प्रयास तो करें पर हम इसके लिए ऐसे भी उतावले ना हो जाएं कि हम स्वयं को असंतुष्ट करें या हम स्वयं को तकलीफ पहुंचाएं या हम स्वयं में इतने परेशान हो जाएं किसी वस्तु को प्राप्त करने में कि पता पड़ा कि हमारी भागदौड़ी एक समय में व्यर्थ हो गई। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर चाहता है जो भी चीज उसने हमें दी है हमें इसको परमेश्वर की मर्जी मानना है, हमें इसमें संतुष्ट होना है। और भौतिक वाद के इस युग में ये ज्यादा आवश्यक है। किसी ने बड़ा अच्छा बोला है फैशन के इस युग में गारंटी की अपेक्षा ना करें। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भौतिक वस्तुएं आशीष का कारण नहीं है। आशीष जीवन है, सांस है आशीष है। और जब हमारा प्यार मोहब्बत है, हमारे लोग हमारे साथ में खड़े हैं दुख सुख में, जब हम अपने चारों ओर हमारे लोगों को देखते हैं, अगर हमारे साथ में लोग खड़े हैं तो ये सबसे बड़ी आशीष है। भौतिक वस्तुएं हैं लेकिन अगर लोग नहीं हैं, हमारा अपना परिवार नहीं है, हमसे प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, तो ये भौतिक वस्तुएं क्या करेंगी? हम मैकेनिकल हो गए। लेकिन मैकेनिकल इस युग में भी परमेश्वर हमसे कहता है हमारे जीवन में परमेश्वर का डर और भय बहुत जरूरी है। आपसी प्यार मोहब्बत में बने रहें, उसके डर और भय में हम चलते रहें, हमें परमेश्वर से योग्यता दिए ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए उठते बैठते चलते फिरते आशीष का कारण बने। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके धन्यवादी और आपके आभारी हैं पिता कि हमारा जीवन भौतिक वस्तुओं से प्रभु नहीं चलता। भौतिक वस्तुएं आज है कल नहीं रहेंगी
और जीवन और दुनिया की बातें बदल जाती हैं, लेकिन प्रभु आप कभी नहीं बदलते। इसलिए प्रभु, जिस आपने जबकि हमको जीवन दिया है, हम इस जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से व्यतीत करें, ताकि हम उठते बैठते चलते फिरते अपने साथ के लोगों के एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम काम आ सकें। परमेश्वर हमें अपनी सद्बुद्धि अपना ज्ञान दें, कार्यक्रम के सब श्रोताओं को आशीष का कारण ठहराएं, प्रभु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र महोद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे, आमीन।